तो देखिए हिंसा के बीच शेख हसीना ने कैसे देश छोड़ा, कैसे शेख हसीना को सेफ पैसेज मिला, देखिए इसकी पूरी टाइमलाइन आपको हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से शेख हसीना जो है वहां से भारत भी फिलहाल क्योंकि इंडियन एयरबेस में है, उसके बाद से वो कहां जाएंगी इसको लेकर संशय बना हुआ है। लेकिन सबसे पहले सोमवार सुबह करीब 10 बजे शेख हसीना हेलीकॉप्टर से ढाका छावनी पहुंची और इसके बाद दोपहर करीब 2:30 बजे उन्होंने शेख हसीना ने यानी कि बांग्लादेश शेख हसीना ने उस वक्त छोड़ दिया। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हो गए और थोड़ी ही देर के बाद यानी कि शाम को करीब 4:45 बजे सेना ने शेख हसीना के इस्तीफे की पुष्टि भी कर दी। देखिए शाम 5:30 बजे शेख हसीना के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचने की खबर मिली, जिसके बाद खबर आई कि शाम 7:30 बजे एनएसए अजीत डोवाल ने शेख हसीना के साथ मुलाकात की और करीब 1 घंटे तक उन दोनों के बीच मुलाकात चली। तो देखिए इस तरीके से जो है हालात फिलहाल बने हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बहुत बड़ी हिंसा हुई है बांग्लादेश में और इस हिंसा की वजह से वहाँ की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना को ना सिर्फ अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा बल्कि उन्होंने देश भी छोड़ दिया है, हालात संवेदनशील बने हुए हैं और फिलहाल वो भारत में और किसी देश में शरण लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बांग्लादेश में हिंसा आखिर भड़की क्यों जिसे वहां की सेना और पुलिस तक रोक नहीं पाई। देखिए अब खुफिया रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंसा का भड़काने का काम जो है वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने किया है। दावा ये किया जा रहा है कि बीएनपी ने लोगों को विरोध और हिंसा के लिए उकसाया था। बीएनपी का सोशल मीडिया पेज देश से बाहर ऑपरेट होने का भी दावा किया जा रहा है। इसके अलावा शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के खिलाफ बड़ी संख्या में यहां पर पोस्ट किए गए थे। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई हिंसा का भी पोस्ट किया गया। बीएनपी के पेज से शेख हसीना के खिलाफ कई पोस्ट किए गए। मीडिया सेल छात्र विंग सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया पेज बांग्लादेश यूएसए मलेशिया से ऑपरेट होने का दावा किया जा रहा है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि ये जो हुआ है उसके पीछे एक बड़ी साजिश है। और देखिए इस वक्त बांग्लादेश से कुछ लोग जो लौट रहे हैं वो वहां के हालात को लेकर क्या कह रहे हैं जरा ये सुनिए। जैसे चल रहा है बांग्लादेश का जो हाल बुरा है इसीलिए हमारे पेट्रोल बिजनेस में बहुत मंदा दिखाई दे रहा है। अच्छा नहीं वो कोई काम नहीं चल रहा है, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं चल रहा है, बिल्कुल सब बैठा है। बांग्लादेश का बॉर्डर सील हो गया है, हम पहले ही घुस चुके हैं। कल सुबह मॉर्निंग में हम इंडिया घुसे उस टाइम बहुत दंगा हंगामा हो रहा था बेनापुल में। बेनापुल में प्रॉब्लम है बांग्लादेशी पासपोर्ट जितने भी लोग उधर से आ रहे थे, तो मैंने समझा यहाँ निरापद रहेगा सेफ रहेगा इसलिए हम इधर चला आए। हम मेरा चाहना है बांग्लादेश में जितने भी सिंपल हिंदू फैमिलीज है एंड जितने भी आवमी लीग करते हैं उन लोगों को आप इंडिया में हम लोगों को आश्रय दीजिए, हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। हम अगर बांग्लादेश में गए और जो लोग भी बांग्लादेश में है प्रॉब्लम है, हम लोगों का घर कारोबार सब आग से जला दिया गया है, बहुत प्रॉब्लम है बांग्लादेश में। टेररिस्ट ऑलरेडी बीएनपी जमात गवर्नमेंट वो लोग अभी टेररिज्म कर रहा है। अभी बांग्लादेश का माहौल कल बहुत ख़राब हो गया था, फिर भी बांग्लादेश के आवामी लीग की सरकार भाग गई लेकिन उसके सब एमपी लोग बहुत एमपी फिर नेता लोग भाग नहीं पाया। अभी तक वहाँ पे है वही लोग दंगा फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सरकारी बिल्डिंग फिर वहाँ पे जो हम लोग की भाई है हिंदू भाई बुद्ध भाई जो हैं उन लोग के घर में जाके मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। और बांग्लादेश में रहने वाली एक हिंदू लड़की ने बताया कि आंदोलन के नाम पर कैसे कट्टरपंथी हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू परिवारों को इस हद तक निशाना बनाया जा रहा है ताकि वो देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান আমার ভাই একজন ডাক্তার ছোট কাকার ছেলে তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে, এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই, আমার কাকাকে খুঁজতেছিল আমার ভাইকে খুঁজতেছিল মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন খাবার জলের জগ বলেন একটা একটা গ্লাস বলেন কিচ্ছু রাখে।
রাখে নাই পিটাই ভাইয়া গলাইছে বাবা যতটুকু পারছে ছবি তুলছে এবং বাবার এই মারছে বাবার গায়ে হাত দিছে আর ওর ছোট কাকা তো পলাই আছে আমার ছোট কাকাকে ওরা খুঁজতেছে মানে আমরা কতটা নিরুপায় আজকের এই ছাত্রদের কারণে আমরা এখন কি দেশ ছেড়ে নিজের জায়গা জমি ছেড়ে কি আমরা ইন্ডিয়া পালাই যাবো এটা মনে করতেছে সবাই কেন ইন্ডিয়া যাব আমরা স্বাধীন দেশে বাস করি না আমরাও দেশের নাগরিক না তাহলে কেন আমাদের সাথে এরকম হবে আমরা তো স্বাধীনতা ঠিক আছে সবই ঠিক আছে बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के दौरान हिंसक घटनाओं के बीच प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मशरफे मुर्तजा के घर में भी आग लगा दी। मशरफे मुर्तजा शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के सांसद हैं और शेख हसीना के बेहद करीबी बताए जाते हैं। मशरफे मुर्तजा इसी साल की शुरुआत में हुए आम चुनावों में खुलना डिवीजन की नरैल 2 संसदीय सीट से दूसरी बार सांसद चुने गए। 2018 में क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद मुर्तजा ने राजनीति में कदम रखा था और मशरफे मुर्तजा के नाम बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने का भी रिकॉर्ड है। लेकिन उनके घर को भी आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं क्योंकि ये शेख हसीना के करीबी बताए जाते हैं और इसलिए इनका घर भी निशाने पर आया। तो पूर्व क्रिकेटर मशरफे मुर्तजा का ये घर आप देख पा रहे हैं। बंगाल में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, शेख हसीना के जितने भी करीबी हैं, आवामी लीग के जो लोग हैं, क्योंकि आवामी लीग के ये सांसद भी हैं, और ऐसे में आप देखिए प्रदर्शनकारियों ने किस तरीके से इनके घर को भी आग के हवाले कर दिया है। देखिए बिल्कुल तनावपूर्ण स्थिति जो है बांग्लादेश में बनी हुई है। जिस आरक्षण को आधार बनाकर ये पूरा आंदोलन शुरू किया गया और आखिरकार उसे तख्ता पलट तक पहुंचाया गया, वो आरक्षण का मुद्दा आखिरकार है क्या, उसकी पूरी कहानी भी जाननी जरूरी है। दरअसल ये कहानी 1971 से शुरू होती है। ये वो साल था जब मुक्ति संग्राम के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली। और देखिए इसके एक साल बाद यानी कि 1972 में बांग्लादेश की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दे दिया। और इस बीच बताइए बांग्लादेश में 1972 से जारी आरक्षण व्यवस्था में अनारक्षित कोटा 44% रखा गया। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को 30% आरक्षण दिया गया। पिछड़े जिले से आने वाले लोगों को 10%, महिलाओं को 10%, और इसके अलावा धार्मिक अल्पसंख्यकों को 5% और दिव्यांगों को 1% कोटा दिया गया। तो इसी आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ आपको बता दें कि आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हम आपको बता रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के लिए जो आरक्षण कोटा यहाँ 30% रखा गया था, असल में बात जो है जो प्रदर्शन शुरू हुए थे वो इसी को लेकर शुरू हुए थे कि आखिर स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों को अब तक ये आरक्षण व्यवस्था क्यों मिल रही है। क्योंकि अगर आप कुल कोटा देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा ये आंकड़ा हो जाता है और इसी को लेकर लोगों के बीच गुस्सा भी था। तो स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 1972 में जो 30% आरक्षण का प्रावधान था उसे 2018 में हसीना सरकार ने खत्म कर दिया। लेकिन इसी साल आपको बता दें कि जून में हाईकोर्ट ने आरक्षण को फिर से बहाल कर दिया और हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूरे देश में छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को भी पलट दिया और स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए आरक्षण की सीमा 5% कर दी। यानी पहले जहां अलग अलग कैटेगरी में 56% रिजर्वेशन था वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब 7% पर आ गया। लेकिन इसके बाद भी छात्रों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ और आंदोलन लगातार उग्र होता गया।